तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग को अब तक पता चल ही गया होगा कि इस महीने डीसी की नई मूवी दी फ्लैश 16 तारीख को थिएटर्स में रिलीज़ होने वाली है। और डीसी के हेड जेम्स गन ने ये बोला है कि ये मूवी पूरे डीसी यूनिवर्स को इंटायरली रीसेट करेगी, तो उस हिसाब से इस मूवी को देखना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको डीसी के आने वाले फ्यूचर के सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में अच्छे से समझना है। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं मूवीज फ्रीक। तो आज हम जानेंगे वो कौन कौन सी बातें हैं जो आपको दी फ्लैश मूवी देखने से पहले जाननी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लेते हैं कि आपको इस मूवी को देखने से पहले कौन कौन सी पिछली डीसी मूवीज को देखना ज्यादा जरूरी है। तो इस लिस्ट में सबसे पहली मूवी है मैन ऑफ स्टील। द फ्लैश मूवी देखने से पहले आपको मैन ऑफ स्टील की स्टोरी लाइन जरूर पता होनी चाहिए। जैसा कि हमने ट्रेलर में देखा है, इस मूवी में हमें 2013 के टाइमलाइन को दिखाया जाएगा जहां जनरल जॉर्ड सुपरमैन के लिए अर्थ पे आता है और वर्ल्ड इंजन से अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रिप्टॉन जैसा बनाने की कोशिश करता है। तो हाँ, वही एग्जैक्ट सीक्वेंस हमें इस मूवी में दिखाया जाएगा। हमें इस मूवी में मैन ऑफ स्टील से माइकल शेनॉन जो जनरल जॉर्ड का रोल प्ले करते हैं और एंटेजे ट्रोई जो फ्रोवा का रोल प्ले करती है, वो दोनों ही कैरेक्टर्स इस मूवी में रिटर्न आएंगे। वैसे मैं बता दूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें इस मूवी में वही टाइमलाइन देखने को मिले जहां हेनरी कैवल का सुपरमैन एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि ये कोई और ही रियलिटी या टाइमलाइन हो जो बैरी ने स्पीड फोर्स का यूज करके गलती से बनाया है। इसके बाद आपको देखना होगा जस्टिस लीग, जॉस वेडन वाला नहीं, जैक स्नाइडर वाला, जिस मूवी की रन टाइम लगभग 4 घंटे की है। अगर आप लोग इतनी लंबी मूवी नहीं देख सकते तो एटलीस्ट उसकी स्टोरी जान लेना। जस्टिस लीग स्नाइडर कट से आप बहुत हद तक सुपरमैन, बैटमैन और फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स से इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और उनकी पावर्स के बारे में जानेंगे। स्पेशली फ्लैश की पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में आप इस मूवी से ज्यादा जान पाएंगे एज फ्लैश इस मूवी का सबसे मेन पार्ट है। इसके अलावा हमें इस मूवी से आयरिस वेस्ट का कैरेक्टर भी यहाँ रिटर्न देखने को मिल रहा है जो कि सिर्फ स्नाइडर कट में दिखी थी। ये मूवी इतनी बेस्ट है कि इसको देखने के बाद आपका दी फ्लैश देखने का एक्साइटमेंट और भी ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद आपको इस मूवी में नया बैटमैन देखने को मिलेगा। वैसे ये बैटमैन सब लोगों के लिए नया नहीं है, बहुत लोग माइकल कीटन के बैटमैन को नहीं जानते होंगे इसलिए वो कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि माइकल कीटन भी अपने जवानी के दिनों में बैटमैन प्ले कर चुके हैं। हमने उन्हें बैटमैन के रोल में 1989 की बैटमैन और 1992 के बैटमैन रिटर्न्स में देखा है। अगर आपको माइकल कीटन के बैटमैन के बारे में और भी ज़्यादा जानना है तो आप ये दोनों मूवीज देख सकते हैं। तो ये वो मूवीज थी जो आपको दी फ्लैश मूवी को और भी ज़्यादा अच्छे से समझने में मदद करेंगी। और अगर आपको इस मूवी को और भी ज़्यादा अच्छे से समझना है तो अच्छा रहेगा अगर आप कुछ कॉन्सेप्ट से अच्छे से फेमिलियर हो जाएं, जैसे कि टाइम ट्रेवल, बटरफ्लाई इफेक्ट और टाइम पैराडॉक्स। इन सब कॉन्सेप्ट पर पास्ट में हॉलीवुड में कई सारी मूवीज बन चुकी हैं। मूवीज जैसे कि टर्मिनेटर, बैक टू द फ्यूचर, लूपर, मैन इन ब्लैक, प्रीडेस्टिनेशन, इंटरस्टेलर। इवन आप मार्वल भी अच्छे से फॉलो करते होंगे और आपने एवेंजर्स एंडगेम या लोकी देखी होगी तो ये आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो द फ्लैश मूवी कॉमिक बुक के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टोरी लाइन दी फ्लैश पॉइंट से इंस्पायर्ड है। एक ऐसी स्टोरी जहां फ्लैश स्पीड फोर्स से टाइम ट्रेवल करता है और गलती से कुछ ऐसा चेंज कर देता है जिससे उसकी लाइफ के एल लग जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जिस सोर्स मटेरियल पर यह मूवी बेस्ड है उसके इवेंट्स, कैरेक्टर्स और प्लॉट पॉइंट से इस मूवी में काफी चेंजेस किए गए। बात की जाए कॉमिक बुक की स्टोरी की तो कॉमिक्स में हम देखते हैं कि जब बैरी एलन अपनी मरी हुई माँ को बचाने के लिए समय में वापस जाता है तो वो एक ऐसा नया रियलिटी क्रिएट कर देता है जहाँ पर उसकी माँ तो जिंदा होती है लेकिन वो पावरलेस होता है। वैसे ही हमें इस मूवी में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जहाँ पर बैरी वैसे ही अपनी माँ को बचाने के लिए 2013 वाली टाइमलाइन में आएगा लेकिन वहाँ पर उसकी पावर्स उसके साथ ही। इसके अलावा वो वहाँ पर अपने से कुछ साल छोटे अपने ही एक वेरिएंट से मिलेगा जिसके पास कोई पावर्स नहीं होंगी। तो चलिए वापस आते हैं कॉमिक्स पे। तो कॉमिक्स में बैरी के उस नए रियलिटी में आने के बाद उसे पता चलता है कि इस यूनिवर्स में ब्रूस वेन बैटमैन नहीं है बल्कि इस यूनिवर्स में बैटमैन उसके पिता थॉमस वेन है। यानी एले वाले एक्सीडेंट में उस रात थॉमस और मार्था वेन के बजाय ब्रूस वेन मारा गया था, जहाँ पर ब्रूस के मरने के बाद मार्था पगलाकर जोकर बन गई और थॉमस डार्क नाइट। लेकिन मूवी में इस चीज को लेकर भी फेर बदल हुई है जहां पर हमें इस मूवी में ब्रूस वेन के पिता के बजाय हमें इस मूवी में लेट 80s और अर्ली 90s के टिम बर्टन बैटमैन मूवीज के माइकल कीटन वाला बैटमैन देखने को मिलेगा। जहां पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन है स्टूडियो की तरफ से,
क्योंकि हो सकता है इस मूवी को देखने के समय एडल्ट ऑडियंस इस मूवी से और भी ज़्यादा कनेक्ट हों और नॉस्टैल्जिक फील करें। हम कॉमिक्स में आगे देखते हैं, इस यूनिवर्स में वंडर वुमैन और एक्वामैन एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, लेकिन वंडर वुमैन एक्वामैन की पहली पत्नी मीरा की जान ले लेती है और उसके क्राउन को खुद पहन लेती है, और इस गुस्से में आकर एक्वामैन अमेजोनियंस के खिलाफ जंग छेड़ देता है, और इन दोनों की लड़ाई में पूरी दुनिया तबाह हो रही होती है। इन सब चीज़ों से निपटने के लिए बैटमैन बैरी एलन की मदद करता है ताकि वो अपनी पावर्स को रीगेन कर पाए। वो दोनों फिर से उस बिजली गिरने वाले एक्सीडेंट को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जहां पर बहुत मुश्किलों के बाद दो बार बिजली गिरने के कारण बैरी अपने पावर्स को रीगेन कर लेता है। बिल्कुल ऐसा ही एक सीन हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा, जहां पर जैसा कि हम लोग को पता है 2013 वाले यंग बैरी के पास कोई भी अपनी सुपर पावर्स नहीं है। उसे यहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक करवाई जाएगी उसे अपनी खुद की सुपर हीरो पावर्स दिलवाने के लिए। बात की जाए सुपरमैन की, तो कॉमिक्स में हम देखते हैं कार्लेल का स्पेसशिप कैंसस के फार्म में गिरने के बजाय मेट्रोपोलिस शहर में गिरता है, जिसके बाद US गवर्नमेंट कार्लेल को बचपन से कैद करके रखती है, जहां पर कॉमिक्स में उसे छुड़ाने के लिए वहां पर बैटमैन साइबोर्ग और फ्लैश आते हैं। तो वैसा ही सिमिलर सीन हमें इस मूवी में भी देखने को मिलेगा, बस फर्क इतना ही रहेगा कि इस मूवी में बैटमैन और फ्लैश सुपरमैन को बचाने के बजाय सुपर वुमेन कारा जोएल को बचाएंगे, जो रिश्ते में सुपरमैन की कजन है। अब कॉमिक बुक से मूवी के अंदर ये सबसे बड़ा स्विच मेरे हिसाब से काफी स्मार्ट मूव था, क्योंकि जिस टाइम पर इस मूवी की प्रोडक्शन चल रही थी उस टाइम पर हेनरी केवल के सुपरमैन का DC से पत्ता कट चुका था। कॉमिक्स में आगे हम देखते हैं कि US गवर्नमेंट अटलांटियंस और अमेजोनियंस के बीच हो रहे लड़ाई को रोकने के लिए उस जगह पर न्यूक्लियर वेपन यूज करती है, जिसके चलते बैरी को एक बार फिर से स्पीड फोर्स से दौड़ना पड़ता है, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि इन सब चीजों का मास्टरमाइंड और कोई नहीं रिवर्स फ्लैश AKA योबोन थॉर्न है। बात की जाए दी फ्लैश मूवी की, तो इस फिल्म में रिवर्स फ्लैश दिखे न दिखे डार्क फ्लैश दिख सकता है। तो डार्क फ्लैश कॉमिक्स के अंदर उन लोगों को हंट करता है जो टाइम के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आप इस कैरेक्टर को स्पीडस्टर्स का ग्रीम रीपर भी कह सकते हैं। तो ये थी वो सारी बातें जो आपको दी फ्लैश मूवी देखने से पहले जाननी चाहिए। वैसे स्टूडियो ने इस मूवी के लिए कुछ ज्यादा ही क्रिएटिव लिबर्टी का यूज किया है, इसके बावजूद इस मूवी के अर्ली रिव्यूज काफी अच्छे निकल कर आए हैं। सभी क्रिटिक्स इस मूवी को काफी ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब देखना यह रहेगा कि इस मूवी को पब्लिक कितना पसंद करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग मूवीज फ्रीक।